सप्ताह पहला दिवसे ग्लोबल मार्केट थी मिश्र संकेतों। एशिया में निकाई आश्रे 2.5% तूटियो, परंतु गिफ्ट निफ्टी 0.25% ऊपर। शुक्रवार घटीने बंद थया हता अमेरिकाना बजार। टेक शेयर्स ना कारणे 1% थी वधारे घटीने बंद थयो हतो नास्टेक। चीन में इम्पोर्ट ड्यूटी घटवा क्रूड की किमतों घटी $82 ने नीचे आयु ब्रेंट, परंतु यूएस में जल्दी व्याज दर में कापनी आशाएं। सोना की रेकॉर्ड रैली यथावत, $2,190 ने पार पहुंचो कॉमिक्स गोल्ड। टाटा सन्स आईपीओ जल्दी आवानी आशा नहीं, आरबीआई ना नियमों पालन करवा अन्य विकल्प पर विचार करशे समाचार। टाटा कैपिटल ना पोताना भाग ने कोई बीजी एंटिटी ने ट्रांसफर करवानी पण संभावना खुली। इंडिगोना प्रमोटर राकेश गंगवाल 3.3% की जगह हवे आश्रे 0.6% वेची शके छे। भागीदारी स्टेक सेल द्वारा 6,581 करोड़ रुपया भेगा करवानी योजना। हालना भाव थी 5.8% डिस्काउंट पर 2,925 रुपया प्रति शेयर छे। फ्लोर प्राइस सीएनबीसी बजार एक्सक्लूसिव। एलिम्बिक फार्मा ने तकलीफों में वधारो, यूएसएफटीए ગુજરાતના પનેલાવ યુનિટ માટે 4 અવલોકનો સાથે ફોર્મ 483 ઇસ્યુ કર્યું। 28 ફેબ્રુઆરીથી 8 માર્ચ વચ્ચે થઈ હતી પ્લાન્ટમાં તપાસ। આજે દ્વારકા એક્સપ્રેસ વેનું લોકાર્પણ કરશે પ્રધાનમંત્રી મોદી। ત્યાં જ મુંબઈમાં કોસ્ટલ રોડનું ઉદઘાટન પણ આજે। વરલીથી મરીન ડ્રાઈવને જોડનારા હિસ્સાનું મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદે કરશે ઉદઘાટન। અને રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશનના ચેરપર્સન નીતા અંબાણીને મિસ વર્લ્ડ 2024 ઇવેન્ટમાં મળ્યું મોટું સન્માન। તેમના સોશિયલ વર્ક માટે મળ્યો બ્યુટી વિથ પર્પઝ હ્યુમેનિટેરિયન અવોર્ડ। નીતા અંબાણી બોલ્યા, આ મહિલાઓનો દાયકો છે।